वो कहते हैं ना, बच्चे ही देश का भविष्य है। उसी तरह हमारी रेलवे के लिए भी आईआईटी मद्रास के छात्रों ने एक काफी बड़ा आविष्कार तैयार किया है। छात्रों ने भविष्य की एक ऐसी ट्रेन प्रोजेक्ट तैयार की है जो दिल्ली से मुंबई की दूरी महज 2 घंटे में तय कर लेगी। ये छात्र कई साल से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और आखिरकार इन्हें काफी बड़ी सफलता मिली। इनफैक्ट निर्मला सीतारमण जी ने भी इस वीडियो को रीट्वीट किया। उन्होंने कहा कि बधाई, शानदार, आपकी भविष्य की सफलता की कामना करती हो। ये आप वीडियो देख सकते हो, कितने जोश और जज्बे से हमारे आईआईटी मद्रास के छात्रों ने ये बड़ी सफलता हासिल की है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज आज के समय में हाइपरलूप डेवलप कर रही है, लेकिन हमारे आईआईटी छात्रों को तो एक काफी बड़ी सफलता मिल चुकी है। ये प्रोजेक्ट का नाम है आविष्कार हाइपरलूप। इस प्रोजेक्ट पर करीब 50 अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी वाले छात्र काम कर रहे थे। उनका ये मानना है कि ट्रांसपोर्टेशन की ये तकनीक आने वाले 1 दशक के भीतर भारत में हम लाकर ही रहेंगे। आज समय ऐसा है जहां हम 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली बुलेट ट्रेन ही फोकस कर रहे हैं, लेकिन हमारी आईआईटी भारतीय रेलवे के लिए इससे भी 3 गुना तेज 950-960 किलोमीटर प्रति घंटे वाली रफ्तार की ट्रेन ऑलरेडी अब डिजाइन कर चुकी है और अब इसकी टेस्टिंग शुरू है। तो आइए जानते हैं कि एक्चुअल में ये प्रोजेक्ट भारत में कब ऑपरेशनल हो सकता है। यहाँ पर छात्रों की तैयारी को देखते हुए जब उनसे पूछा गया, हाइपरलूप प्रोजेक्ट को लीड कर रही छात्रा मेधा को जो पूछा गया, उन्होंने बताया कि हम पूरी क्षमता और लगन के साथ इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। इस साल प्रोजेक्ट पर फिजिकल परीक्षण किया जाएगा। अगर हम इस स्पीड के साथ बढ़ते रहे तो अगले 10 साल के भीतर ये टेक्नोलॉजी हमारे हाथ में होगी और फिर 3 साल एक्स्ट्रा पकड़ लीजिए पैसेंजर सेफ्टी टेस्टिंग और भी कई तमाम मापदंडों को टेस्ट करने के बाद फाइनली ये 10 से 13 साल के भीतर भारत को मिल सकती है। गौरतलब है कि पिछले साल रेल मंत्रालय ने इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही आईआईटी मद्रास की टीम को एक बड़ी सहायता उपलब्ध कराई थी। हाइपरलूप तकनीक पर काम कर रही मंत्रालय ने टीम को 8.34 करोड़ रुपीस की फंडिंग दी थी और इसी फंडिंग का यूज करके आज हमें एक बड़ी सफलता देखने मिल रही है जिसका दुनिया भी बहुत ही ज्यादा अप्रिसिएशन कर रही है। खैर, भारत की ये बड़ी अचीवमेंट के लिए तो डेफिनेटली इस वीडियो पे तो एक लाइक बनता ही है और कमेंट्स में भी जय हिंद लिखना ना भूलिएगा।